नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में, जहां पर हम सीखने वाले हैं एडवांस इनकम टैक्स के बारे में। बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर पूरी डिटेलिंग आपको बताने वाले हैं। एडवांस इनकम टैक्स क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे पे किया जाता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी, ना पे करने पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो है और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि नाम है एडवांस इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स को एडवांस में पे करना। तो सर, वैसे इनकम टैक्स कैसे पे किया जाता है? वैसे इनकम टैक्स साल में एक बार पे किया जाता है, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद जब आप अपनी इनकम को एसेस करते हो, मतलब असेसमेंट ईयर के अंदर आपको प्रीवियस ईयर का, मतलब फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करना होता है। अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको अपना टैक्स को पे करना होता है, ये जनरली प्रोसेस है। बट यहाँ पे वर्ड लग गया है एडवांस, तो मतलब इनकम टैक्स को पे करना है एडवांस में। तो अब मन में क्वेश्चन ये उठता है, हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया एडवांस में इनकम टैक्स को पे कर देना एडवांस इनकम टैक्स है, मतलब ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, साल के चलते हुए ही आपको पे कर देना है। जनरली क्या होता है कि साल खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, असेसमेंट ईयर में जब आप अपनी इनकम को असेस करते हो तब आपको पे करना होता है। बट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आप एडवांस में ही टैक्स को पे कर देते हो बिना रिटर्न फाइल करे, मतलब अभी रिटर्न फाइलिंग का समय नहीं आया, अभी तो इनकम एसेस ही नहीं हुई है, पहले से ही पे कर देते हो, तो उसको बोलते हैं एडवांस इनकम टैक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सभी को एडवांस में इनकम टैक्स पे करना होता है? तो उसका जवाब है नहीं, सभी को एडवांस में इनकम टैक्स पे नहीं करना होता। उन लोगों को एडवांस में इनकम टैक्स पे करना होता है जो कि इनकम टैक्स थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है 10,000। अगर कोई भी व्यक्ति पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये टैक्स पे करता है, 10,000 रुपीज़ अगर वो टैक्स इनकम टैक्स पे करता है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको एडवांस इनकम टैक्स पे करना होता है। अगर कोई भी पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10,000 इनकम टैक्स पे करता है या 10,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करता है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको एडवांस इनकम टैक्स को पे करना होता है। अब मन में दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सर मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ और मैं 10,000 से ज़्यादा की मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, पर मेरा ऑनर, मेरा एम्प्लॉयर या कोई भी व्यक्ति, मतलब मेरा डायरेक्टर, अगर हम बिजनेस के केस की बात करें, अगर सैलरीड के केस की बात करें, तो एम्प्लॉयर अगर सामने वाली पार्टी मेरा TDS काट लेती है, तो क्या मेरे को एडवांस में इनकम टैक्स पे करना होगा? तो उसका जवाब है नहीं। एडवांस इनकम टैक्स तब पे करना होता है जब आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बन रही हो, पर TDS कटने के बाद, TDS कटने के बाद भी अगर आपकी लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बन रही है, तो आपको एडवांस में इनकम टैक्स पे करना होता है। आई होप बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमारी 10,000 से ज़्यादा टैक्स की लायबिलिटी बन रही है TDS कटने के बाद, अगर TDS कटने से पहले बन रही है और इतने रुपये का मेरा TDS कट जाता है, तो मेरे को एडवांस में इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मेरा TDS नहीं कटता या TDS कटने के बाद भी अगर मेरी टैक्स की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा बैठ रही है, तो मुझे एडवांस में इनकम टैक्स पे करना है फाइनेंशियल ईयर के चलते हुए ही। तो सर इसको 4 किस्तों में पे करना होता है, इसको 4 किस्तों में पे करना होता है। तो वो 4 किस्तें कौन सी है, वो आपके सामने है। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आज भी है 15 जून, 15 जून को हमें एडवांस में इनकम टैक्स पे करना है। सो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो जो भी क्वार्टर है, उस क्वार्टर एंड मंथ की 15 डेज जो होती है, 15th जो होती है, 15 तारीख जो होती है, वो होती है आपकी ड्यू डेट। जैसे कि अगर पहला क्वार्टर की बात करें, तो अप्रैल से जून पहला क्वार्टर है, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ड्यू डेट। तो पहले क्वार्टर में आपको 15 जून, मतलब क्वार्टर का एंड महीना कौन सा है, जून, तो उसकी 15 तारीख आपकी ड्यू डेट हो गई। दूसरा क्वार्टर आपका जुलाई से सितंबर, तो उसका एंड मंथ कौन सा है, सितंबर, उसकी 15 तारीख आपकी ड्यू डेट हो गई। तीसरा मंथ है आपका अक्टूबर से दिसंबर, तो दिसंबर क्वार्टर एंड का मंथ है, तो उसकी 15 तारीख। इसी तरीके से लास्ट क्वार्टर आपका जनवरी टू मार्च, तो मार्च एंड मंथ है, उसकी 15 तारीख हो गई आपकी ड्यू डेट, तो उसको बोलते हैं ड्यू डेट। तो इन ड्यू डेट्स पे आपको एडवांस टैक्स को पे करना होता है। उसको पे करने का तरीका है, पहली किस्त 15%, दूसरी किस्त 45%, तीसरी किस्त 75% और चौथी किस्त 100%। मुझे पता है कि अब आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, सर एडवांस इनकम टैक्स समझ में आ गया, ड्यू डेट समझ में आ गई, पर ये 15, 45, 75, 100 वाला हिसाब किताब तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने इतनी स्पीड में बता दिया। तो भैया एक क्वेश्चन पहले आपका, आपके मन में क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर मैं अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे एसेस करूँ? भाई मुझे तो पता ही नहीं है साल के अंदर मेरा कितना बिजनेस चलेगा, तो मुझे तो पता नहीं है, तो मैं अपने इनकम टैक्स को इस साल में कैसे पे करूँ, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और दूसरा ये परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है। तो पहले मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखाता हूँ और साथ के साथ आपको बताता हूँ कि आपको अपना इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करना है।
तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जैसे कि हमारा चैनल का नाम ही है सीधी बात नो बकवास, तो यहाँ हम बात ही केवल कायदे की करते हैं जिसमें कि आपके कन्फ्यूज़न सारे दूर हों। तो अगर मैं सैलरीड पर्सन की बात करूँ तो उसको इनकम टैक्स असेस करना बहुत सिंपल है। मान लो उसकी पिछले साल 12 लाख रुपये तनख्वाह थी, उसकी इस साल भी 12 लाख की तनख्वाह होगी। तनख्वाह ये तो नहीं है इस महीने में ज़्यादा अगले महीने में कम है, तो लगभग उतनी ही तनख्वाह होगी। वो इंसेंटिव अलग बन जाए तो वो एक अलग बात है, क्योंकि एडवांस इनकम टैक्स एक्यूरेट इनकम टैक्स नहीं होता, ये एस्टिमेटेड इनकम टैक्स होता है, ठीक है। तो एस्टिमेट करके आप अपनी इनकम को एस्टिमेट करके जो है अप्रॉक्स वैल्यू को डिपॉजिट कर रहे होते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सैलरीड वाले केस में तो कोई टेंशन नहीं है। और बिजनेस वाले केस के अंदर अगर आपका बिजनेस पिछले साल के जैसे ही चल रहा है, तो मान लो अगर पिछले साल मैंने 1 लाख रुपये टैक्स पे करा था अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस साल भी आप 1 लाख रुपये के हिसाब से अपना टैक्स पे कर दो। तो अगर मेरा पिछले साल 1 लाख रुपये टैक्स पे हुआ था तो इस साल मैं टैक्स को कैसे पे करूँगा? तो पहली किस्त 15%, ठीक है, दूसरी किस्त 45%, तीसरी किस्त 75% और चौथी किस्त 100%। मतलब ये मेरे को पे करनी है 15 जून को, ये मेरे को पे करनी है 15 सितंबर को, ये मेरे को पे करनी है 15 दिसंबर को, और लास्ट वाली जो मेरे को पे करनी है वो है 15 मार्च को। तो अगर मैंने 1 लाख पिछली बार टैक्स पे करा था तो मैं उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके जमा करा दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका बिजनेस नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। और अगर एकदम एक्सपेक्टेड ग्रोथ आ गई है तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आए जितना बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा के जमा कर सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। एस्टिमेट ये आपकी इनकम कैलकुलेट होती है, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस स्लो हो रहा है तो आप चाहो तो 1 लाख की जगह 80,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर दो, और ज़्यादा बिल्कुल ही गिर गया 50% की डिग्रोथ है तो 50% टैक्स पे कर, 15,000 के हिसाब से टैक्स पे कर दो। तो अगर मेरे को 1 लाख रुपये मेरी पूरे साल की अगर टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो मैं पहली किस्त पे करूँगा 15% मतलब केवल 15,000 रुपये। दूसरी किस्त मेरे को कितनी पे करनी है? दूसरी किस्त क्या मेरे को 45% पे करनी है? नहीं, दूसरी किस्त मेरे को 1 लाख का 45% पे नहीं करनी है, मेरे दूसरी किस्त तक 45,000 रुपये जमा हो जाना चुका चाहिए। तो मतलब मेरे को दूसरी किस्त कितनी जमा करनी है? केवल 30,000 रुपये। कितनी? केवल 30,000। द्वार से समझो, 1 लाख का 15% 15 जून तक जमा हो जाना चाहिए, 1 लाख का 45% 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए। तो 1 लाख का 45% कितना हुआ? 45,000, जबकि मैं 15,000 ऑलरेडी जमा कर चुका हूँ। तो मुझे जमा कितना करना है सर? 30,000 रुपये मुझको और जमा करने हैं 15 सितंबर को। इसी तरीके से 15 दिसंबर तक मेरा 75% टैक्स पे हो जाना चाहिए। तो 75% कितना हुआ? 75,000। तो मुझे 75,000 पे नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मैं 45,000 पे कर चुका हूँ। तो 75 में से आप 45 घटा दोगे तो कितना बचा आपका? 30,000, ठीक है। तो ये मेरे को तीसरी किस्त, पहली किस्त 15,000, दूसरी किस्त 30,000, तीसरी किस्त 30,000, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 75,000। चौथी किस्त भैया मेरे को कितनी? 1 लाख का 100%। तो क्या सर 1 लाख रुपए पे करना है? नहीं मेरे भाई, 75,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो मुझे कितना? 1,00,000 - 75,000 = 25,000। तो पहली किस्त मेरी जाएगी 15,000 रुपए की, दूसरी किस्त मेरी 30,000 की तो मेरा 45% चला जाएगा, तीसरी किस्त मेरी 30,000 की तो मेरा टोटल 75 चला जाएगा, और चौथी किस्त मतलब 15 मार्च को मैं 25,000 रुपये पे करूंगा तो मेरा टोटल 1 लाख रुपये इनकम टैक्स पे हो जाएगा। अब हो सकता है मेरी इनकम टैक्स की लायबिलिटी 1,10,000 बने, और हो सकता है मेरी इनकम टैक्स की लायबिलिटी 90,000 बने। अगर कम बनेगी तो मेरा एक्सेस अमाउंट रिफंड हो जाएगा, और अगर ज़्यादा बनेगी तो मेरे को उसके अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स की लायबिलिटी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय पता लग जाएगा। या फिर जब हमारा साल खत्म हो रहा होता है, मतलब जब हम चौथी किस्त को पे कर रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा 90% जो है वो साल 95% हमारा ईयर जो है वो निकल चुका होता है, तो हमें अपने टर्नओवर के बारे में अच्छे से पता लग जाता है। तो 15 जो हमारी चौथी किस्त है उसमें हम आगे पीछे हेर फेर भी कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो चूंकि ये एक आप एस्टिमेट इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हो, तो ये अप्रॉक्स आप टैक्स पे कर रहे होते हो, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट पे करना है। बट अगर आप पे नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट जो है वो लगती है, वो भी दो इंटरेस्ट लगती है, इसलिए आपको पे जरूर करना चाहिए। तो द्वारा से एडवांस इनकम टैक्स किया है, इनकम टैक्स को एडवांस में पे कर देना। एडवांस में किसको पे करना है? जिसकी 10,000 रुपये की टैक्स की लायबिलिटी बन रही है आफ्टर TDS डिडक्टेड, तो आपको एडवांस इनकम टैक्स पे करना है। एडवांस इनकम टैक्स पे करने का सिंपल सा फंडा है, पिछले साल जितना टैक्स पे करा है उसी के अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर लो। अगर आपका बिजनेस या आपकी सैलरी की इनकम नॉर्मल सी चल रही है, अगर ज़्यादा चल रही है तो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा लो, अगर कम हो गई तो उसके अकॉर्डिंगली कम कर लो। 4 किस्तों में पे करना होता है। डेट याद करना बहुत सिंपल है, हर क्वार्टर के मंथ की एंड की 15 तारीख आपकी ड्यू डेट होती है। मान लो सर 15 जून निकल गई, अब क्या मैं 16 जून को एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल पे कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 15 जून की जगह 20 जून को पे कर दो तो भी कोई टैक्स की बात नहीं है, थोड़ा सा ब्याज पे करना पड़ेगा, और अगर नहीं पे करोगे तो बहुत सारा ब्याज पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप 15 जून को भूल गए हो तो 16 जून को पेमेंट कर दो, 17 को कर दो, 18 को कर दो, 20 को कर दो, 1 जुलाई को कर दो।
पेमेंट कर दो है ना, तो थोड़ा सा बढ़ा के पेमेंट कर दो, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपकी टैक्स की जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो कम होती जाएगी। तो ये फिक्स नहीं है कि 15 को ही पे करना, आप चाहो 10 जून को पे कर दो, आप चाहो 20 जून को पे कर दो, आगे पीछे कर सकते हो, इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, पर कैलकुलेट 15 जून के बाद इंटरेस्ट चालू हो जाएगा आपका। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, जैसा कि देखो हमने यहाँ चार्ट पे भी लिखा है, पहली किस्त 15%, दूसरी किस्त 45% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, तो ये वर्ड समझ जाना, तीसरी किस्त 75% ऑफ एडवांस टैक्स बट लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, मतलब 45% ऑलरेडी पेड कर चुका हूँ, ठीक है, चौथी किस्त में 100% टैक्स पे हो जाना चाहिए बट लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, मतलब 75% ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। सो आगे की तरफ चलते हैं, अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम मतलब ITR 4 फाइल करते हो, मतलब 44AD या 44ADA में फाइल करते हो, तो आपको चार इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी है। सिंपल सा फंडा है कि आपका 15 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने का मतलब 15 मार्च तक आपका जो है 100% टैक्स पे हो जाना चाहिए। मान लो अगर मैंने पिछले साल अपना ITR 4 फाइल करा, 44AD या 44ADA के अंदर मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करा है, वो मैंने 20,000 रुपये का टैक्स पे करा था, तो इस साल मैं 15 मार्च तक उसको 20,000 रुपये को पे कर दूं, ठीक है, वो चाहे आप कभी भी पे करो, चाहे आप टुकड़ों में पे करो, आपने 15 सितंबर में पे कर दिया, थोड़ा थोड़ा अक्टूबर में कर दिया, थोड़ा जनवरी में कर दिया, थोड़ा अप्रैल में, जैसे मर्जी है वैसे कर दो, पर 15 मार्च तक 100% टैक्स आपका पे हो चुका जाना चाहिए। सर पे कैसे करना है? तो अब पे करने का तरीका पहले की तरह नहीं हो गया, पहले आप NSDL की वेबसाइट पर जाके पे करते थे, बट अब आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होता है, तो incometax.gov.in पे आप आएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको राइट हैंड पे ई पे टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, ई पे टैक्स पे आप क्लिक करेंगे, हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में आपको कैसे डायरेक्ट टैक्स से पेमेंट किए जाते हैं जो नया तरीका है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ई पे टैक्स पे आप आओगे, यहाँ पे आपको पैन नंबर बताना होता है अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, टैन नंबर बताना होता है अगर आप TDS पे कर रहे हो, ठीक है, तो दोबारा से आपको कंफर्म करना है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, अपना डाल सकते हो एज एम्प्लॉई, या एम्प्लॉयर का डालना चाहते हो तो एम्प्लॉयर का डाल सकते हो, जो भी मोबाइल आपके पास हो जिसके ऊपर OTP आना है वो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है, OTP आपके पास आएगा, OTP आप डाल के इसको वेरीफाई कर देंगे, OTP वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे, हालांकि ये यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है पर ये वाला लॉगिन नहीं होगा, मतलब टैक्स पे करने के लिए आप लॉग्ड इन हो जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा इनकम टैक्स या STT वगैरह या कोई अदर पेमेंट करना चाहते हो, तो हम इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं बट एडवांस वाला पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो दो तरीके से होता है, एक एडवांस इनकम टैक्स, एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जब आप इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने के बाद अगले साल में जब मतलब इनकम को एसेस करके टैक्स पे करते हो तो उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है, खुद से एसेस करके टैक्स को पे करना, और अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टैक्स को पे करते हो तो उसको बोलते हैं एडवांस इनकम टैक्स। तो आप यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो आएगी, यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करोगे और साथ के साथ एडवांस टैक्स को पे सिलेक्ट कर लोगे। जब आप असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑप्शन आएगा ही नहीं, एडवांस टैक्स का ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस साल को अभी आप एसेस कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, सो आप जो है एडवांस इनकम टैक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, एडवांस इनकम टैक्स सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टैक्स की वैल्यू को मेंशन कर दोगे, ठीक है, सिंपल, और इसको कर दोगे कंटिन्यू और अपने चालान को पे कर दोगे अपने नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू। चालान पेमेंट का मैंने आपको बताई दिया, ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा अगर आप डिटेल में चालान पेमेंट का जो नया तरीका वो सीखना चाहते हो तो, ठीक है। अगर हम टैक्स को पे नहीं करते, एडवांस टैक्स को पे नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट का कहना है हम दो तरीके से तुमसे ब्याज वसूलेंगे। पहला तरीका है अंडर सेक्शन 234B 234B, ठीक है, इसमें आपसे जो है इंटरेस्ट वसूला जाएगा अगर आपने 31 मार्च तक 90% अपना अगर आपने टैक्स पे नहीं करा है तो आपसे 1% के हिसाब से ब्याज ले लिया जाएगा अनपेड अमाउंट के ऊपर। मान लो अगर मेरी 1,00,000 रुपये इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो 90,000 रुपये मैं पे कर चुका होना चाहिए 31 मार्च तक, वो चाहे मैं 15 मार्च को करूँ, चाहे मैं 15 जून 15 सितंबर, मतलब ये 234B सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपने 90% अपना टैक्स इनकम टैक्स जो है एडवांस में पे नहीं किया होगा तो, ठीक है, तो 1% आपके ऊपर जो है टैक्स कैलकुलेट होगा अनपेड अमाउंट के ऊपर जो भी टैक्स आपने पे नहीं किया, इसलिए मैंने बोला था एस्टिमेटेड वैल्यू है। अगर आप 1,00,000 रुपये का 1,00,000 रुपये टैक्स पे करते हो, आपकी 110,000 रुपये लायबिलिटी थी, तो भी आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट 10% का आपको मार्जिन दे रही है। और दूसरा जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन 234C, ये थोड़ा खतरनाक है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है, अलग अलग तरीके से होती है। मतलब अगर पहली किस्त मेरे को 15,000 रुपये पे करनी थी पर मैंने 15,000 पे नहीं की है तो मेरे ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा जो भी मेरा अनपेड अमाउंट है, ठीक है। मान लो मैंने 10,000 रुपये टैक्स पे करा
मेरी एक लाख रुपए टैक्स की लाइबिलिटी थी पूरे साल की, जो एग्जांपल अभी आपको दिया, और मैंने 10,000 रुपये टैक्स पे किया, तो 5,000 रुपये के ऊपर 1% के हिसाब से मेरे ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगी 3 महीने के लिए, ठीक है। तो अच्छा खासा ब्याज आपको देना पड़ सकता है, एक FD से ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा, एक लोन का ब्याज होता है 12% का, है ना। तो अच्छा खासा आपको जो है ब्याज यहाँ पे देना पड़ेगा। अब मान लो दूसरी किस्त में मेरे को 45,000 रुपये टैक्स पे करना था, बट मैंने दूसरी किस्त तक केवल 30,000 रुपये टैक्स पे करा, मैं 1 लाख वाला एग्जाम्पल ही लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो मेरे को 15,000 रुपये के ऊपर जो है वो 15,000 के ऊपर 1% के हिसाब से 3 महीने का और टैक्स पे करना होगा, मतलब 5,000 के ऊपर यहाँ पे और 15,000 रुपये के ऊपर यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो जो जो मतलब मान लो अगर पहली किस्त मैंने 15,000 की पे कर दी, तो पहले क्वार्टर में मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना, इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। बट अगर दूसरे क्वार्टर में अगर मैंने टैक्स कम पे किया, तो दूसरे क्वार्टर का मेरे को जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर मैंने शुरुआती दोनों क्वार्टर में सही टैक्स पे करा, पर तीसरे में कम किया, मतलब जिस क्वार्टर में आपका टैक्स कम होगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से, पहले क्वार्टर में 15% पे करना था, अगर 15% नहीं पे करा है, तो जितना पे करा उतना माइनस करके जो बचेगा उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से उस क्वार्टर का इंटरेस्ट पे करना होगा। दूसरे क्वार्टर में 45% पे करना था, अगर उतना पे नहीं करा और जितना पे करा उतना माइनस करके जितना बचा है उसके ऊपर 1% के हिसाब से इस पर्टिकुलरली क्वार्टर का पे करना होगा। तो इस तरीके से पहला वाला जो 234B है वो आपका पूरे साल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है 1% के हिसाब से, 1% है ना अनपेड अमाउंट के ऊपर, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो आपका सेक्शन है 234C, वो आपका क्वार्टर के हिसाब से जो है वो टैक्स को कैलकुलेट करेगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब आपका एडवांस इनकम टैक्स को लेकर टेंशन खत्म हो गई होगी, किसको पे करना है किसको नहीं पे करना है। पूरी वीडियो को मैं कंक्लूड करके बता देता हूँ आपको, सिंपल सा फंडा है। अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा की टैक्स की लाइबिलिटी बनती है तो आपको एडवांस इनकम टैक्स पे करना है, पर अगर आपका TDS कट जाता है और TDS कटने के बाद अगर आपकी 10,000 की लाइबिलिटी नहीं बनी है, तो एडवांस इनकम टैक्स नहीं पे करना है। एडवांस इनकम टैक्स जब पे करना है तो आप सिंपल सा फंडा है, अगर सैलरी आप इनकम है या आपकी बिजनेस इनकम है, अगर सैलरी इनकम है तो आपकी सैलरी बराबर चली है तो बराबर टैक्स पे करो, और अगर आपका बिजनेस है तो जो पिछले साल आपने टैक्स पे करा उतने इस साल आप टैक्स पे कर दो। 4 किस्तों में पे करना है, क्वार्टर का जो एंड मंथ होता है उसकी 15 तारीख आपकी ड्यू डेट होती है। अगर एडवांस इनकम टैक्स पे नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं होगा, बस ब्याज आपसे वसूली जाएगी जो कि आपको 12 से 15% साल की ब्याज पड़ जाएगी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर 1 लाख रुपये की बात करें तो आपको 12-15 हज़ार रुपये जो है वो आपको इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ सकता है। सो आई होप आपका सारे जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।